ये एक हाल है इन लोगों का कि जो हमारे साथ टकराते हैं शहखान की तफसील में मुखालफत करेगा वो सुन नहीं हो सकता वो शिया है जुल और उसे कोड़े मारे जाएंगे इरफान शाह साहब ने किन लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया हुआ है बसमिल्लर हबीबी महम्मद नाजरन करम मुनादरा लोदरा के हवाले से आपने सारी तफसली गुफगू भी सुन ली एक अहम बात मुनादरा लोधरा के एक अहम किरदार के हवाले से है जनाब पीर फर अली शाहब इन्होंने पहले भी क्लिप जारी की और बाद में भी क्लिप जारी किए और बड़ी चलाकी आयारी से उन्होंने बात को कुछ का कुछ रंग देने के लिए ज़बान की कमाल सफाई का जो है वो नमूना पेश किया आज इनके कुछ ऐसे हकाइक सामने रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह उन्होंने अपने ज़बान से ऐसे कमाल की सफाई का नमूना पेश किया इससे पहले भी हजरत अपने हाथ की सफाई बड़ी दफा दिखा चुके हैं और अह सुन्नत के मुसलमत पर हमला भी कर चुके हैं आज कल अल्लाह के फजल और तोफ़ी से शुक्र है किम सुन्नत बड़ी तेज़ी से इस हकीकत को समझ रहे हैं कि सईदा पाक रदी अल्लाह तह की जात को आड़ बनाकर असल तफजीलीत को अहल सुन्नत में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है बार बार हजरत सदीक अकबर रजील्ला तह की अफजलीत पर हमले किए जा रहे हैं और आपकी अफजलीत के कतई इजमाई और मुतवा होने को मशकूक बनाकर कर पेश किया जा रहा है हमारे मुकाबले में जो बंदा आया जो चमन जमान का मुफ्ती छुपन छुपान का तर्जुमान बना नवीद अब्बासी वो दमदा मस्क का अंदर पहला नंबर के नारे लगाता है कराची कॉन्फ्रेंस में भी उसने नारे लगाए और हर जगह उसका यही मौक़ है इसी तरह पीर जफर अली शाह साहब ये तो अब खुल खुलकर सामने आ गई ये जो बहुत दावे कर रहे थे सुन्नत के हम ये हैं हम वो हैं ये ख़ुद सुन्नत पर पूरा नहीं उतरते हज़रत तो बड़े पक्के तफसीली निकले सुन्नत के यहाँ हजरत सदीक अब रजील तैनों की अफसलीत का मसला कतयी है और इस पर अवलिन वार किया था एक अब्दुल्कर शाह टंच बाटा सरकार ने साहिबानलम को अच्छी तरह अंदाज़ा है और इस पर भी मैं इन शफसली मौके पेश करूँगा कि टंच बाटा की जो इबारात हैं वो सारी के सारी हाथजील तो से हैं वो एक मिसरी महक्क था उसने ये सारा तमाशा लगाया और तबजील का सारा मवाद पीछे मुस्र्किन ने दिया हुआ है वो पीछे यहूद न सारा की पूरी एक लाबी है जिन्होंने ये वर्क किया और वो मिस्र में छपा उसका तरमा टंब बाटा सरकार ने किया और टंचबाटा सरकार की किताब पर तकरीज लिखी जनाब पीर फर अली शाहब ने तो जितने धोखे जितनी अयारियाँ टंचा सरकार ने दिखाई और उन्हीं का हिस्सा जनाब पीर ज़फ़र अली साहब ने भी शामिल किया ये मेरे हाथ में किताब है मनाकिबलफ़ा राशिदीन जनाब मोहतरम शेखलहदीस मुफ्ती नज़ीर अहमद सियालवी साहब की सुन्नत का दर्द रखने वाले सुन्नियत के मोहसिन हैं जनाब किबला शेख अहदीस मुफ्ती नदीर अहमद सियालवी साहब इन्होंने इस सारी साजिश का पर्दा बड़े अच्छे अंदाज से चाक किया ये तो समझे बैठे थे कि हम जो मर्ज़ी कर लें इस किताब में जहाँ इन्होंने टंच बाटा सरकार का रद्द किया तो बड़ी फरासत के साथ हजरत ने टंच बाटा सरकार के मौजुदीन और पीर जफर अली शाह इनकी खियानत को भी फ़ौर भाप लिया ये हमारे कराम की फरासत है हमारे मशाइ अभी हैं कि जो इनकी साजिशों को पकड़ लेते हैं इस किताब में किबिला मुफ्ती साहब ने चार सौ ग्यारह सफ़ा पर बाकायदा नाम लेकर जिक्र किया कि पीर जफर अली शाहब की हजरत इमाम ज़ाहबी की इबारत में ख़यानत ये मौजू है हेडिंग ये है आगे फिर कहते हैं तो तहकीक पर एक तकरीर में साहिब तकरीर ने अपने हाथ की सफाई का हैरत अंगेज़ मुजाहरा किया हाथ की सफाई जिस तरह जनाब जुबान से घुमा रहे थे बातों को कि हमने जनाब ऐसे कर दिया और वो तो हमें कह रहे थे हकीकत तो ये है कि कादियानी जमात जिस तरह अपने मिर्ज़ा को छुपाने में कामयाब रही अल्लाह के फजल से हम अहले सुन्नत मैदान में खड़े रहे ताइदार गोड़ा की सुन्नत अदा करते हुए और ये सारे तबके वाले अपने छुपन छुपान को छुपाने में कामयाब हुए ये हकीकत कुछ और अंदाज़ से बयान करनी चाहिए खैर मुफ़्ती साहब फरमाते हैं कि साहब तकरीद ने अपने हाथ की सफाई का हैरत अंगेज़ मुज़ाहरा किया बड़े कमाल अंदाज से इमाम ज़हबी की इबारत में ख़यानतें कें आगे लिखते हैं फ़कीर राकिमुल रकमूफ़ अरज करता है कि इन लोगों ने जब मसले के हक़ आह सुन्नत के साथ गद्दारी शुरू कर दी है तो अहिलसन्नत की खैर खाही के लिए इनकी निशानदेही करना लाजिम और ज़रूरी हो गया तारफ़ ये है अमामा पीर सैद जफर अली शाह मेहरवी सजादा नशीन मेहराबाद शरीफ़ महतमीम जामसिया लोधरा मुल्तान अमीर जमात अलसन्नत पाकिस्तान मुल्तान डिवीज़न ये सारे उनके अल्कबात हैं ताकि किसी को इबहाम न रहे तो इस किताब में तकरीर अगर देखें तो तकरीर का मुफ्ती साहब ने हवाला दिया कि उस टंच बाटे सरकार जिसने अहिलसन्नत के कतई मसल की बुनियादें हिलाकर रख दी और वो भी पीछे मुस्त शर्किन यहूद नसारा की एक मुस्तकिल लाबी थी जिनकी साजिश को कामयाब बनाया उस बंदे की तारीफ़ में इन्होंने ज़मीन व आसमान के किलाबे मिला दिए कि बहुत बड़ी हस्ती है और इबारत क्या पेश की उसकी तइद में अलामा जहबी की यह इबारत पेश की किलामा जहबी लिखते हैं कुल तो लई सा तफ्लोलिय बरफ दिन वला हुआ बिद बल कद जहब इली खलकुमिन ये येमा जहबी की इबारत है कि मौला अली की तफजील आपको अफजल करार देना ना ये राफ़ियत है ना ये बदत यानी अली सुन से ख़ारिज होना है बल्कि इस तरफ सहाबा और की एक जमात गई है ये इबारत जो भी सुनेगा के दायर बात है उसके दिल में फौरी बात आएगी कि इमाम जाहबी जैसी हस्ती जब ये फरमा रहे हैं है कि ये राफ़ियत नहीं है तो फिर सुनीत है और बेदायत भी नहीं है तो इन सारी बातों से वादे हो गया कि मौला अली को सबसे अफसल मान लेना इसमें कोई हरज की बात नहीं है इमाम जहाबी भी यही फरमाते हैं और सिर्फ फरमाते नहीं बल्कि सहाबा और तबइन की जमात है इसके तर्जमे में हजरत ने पहले तो तर्जमे में ही खयानत कर दी मैं कहता हूँ कि हजरत अली हजरत सैदन रदील तन की तफ्ल ब्रैकेट में लिख दिया दीगर साहब क्राम पर ये जो ब्रैकेट को जिन में रखिएगा कि कैसे उन्होंने हाथ की सफाई दिखाई दीगर साहब क्राम पर ना रिफ्स है ना इबत है बल्कि सहाबा क्राम व तबाइन के एक बड़ी खलक़ जबकि बड़ी का लफ्ज़ भी इन्होंने खुद शामिल किया इसी तरफ गए हैं ये जनाब पीर फर अली शाहब के हाथ की सफाई है जो उन्होंने अहिलसन्नत के कतयई मसले में शकुक व शुभ पैदा करने के लिए की और अपना कारनामा सर अंजाम दिया अल्लाह का फजल है कि हमारे महसनिन सुन्नत का दर्द रखने वाले ज़िंदा हैं किबला मुफ्ती नदीर अहमद सेलवी साहब ये उनकी किताब है इन्होंने अलामा अजहबी की मुक़म्मल इबारत भी पेश कर दी और जनाब की ख़ानत का पर्दा भी चाक कर दिया मुक़म्मल इबारत यह है कि इमाम दार कोतनी ने यह जिक्र किया कि इख्तलाफ़ इस मसला में था कि हरत स्स्माननी अफसल हैं या मौला अली अफसल हैं उस पर उन्होंने कहा कि सुन्नत का मसला यही है कि हजरत स्माननी ही अफसल हैं और फिर आगे बात की वह अव्वल दिन या हिल फिरफ्त सब से पहली गिरा है कि जो राफ़ियत की तरफ़ खुल जाती है यानी इस मसले में भी अगर तब्दीली आ जाए मौला अली कोईमानी को रदील्ला तफ़ल करार दे तो इससे भी राफ़ियत का दरवाज़ा खुल जाता है इस पर हजरत इमामबी का कलाम था वो फरमा रहे थे कि लई सा तफदील अली बफ्त वला हुआ बिदा कि हजरत षमान खनी से मौला अली को अफ़ल करार देना इसको राफजियत ना करार दिया जाए इसको बिदात करार ना दिया जाए ये अब मौक़ था और पीर जफर अली शाह साहब ऐसे हाथ की सफाई कर गए कि मतलब ये है कि तमाम सहाबे के नाम से अफसल करार देने में भी कोई हर्ज नहीं है और टच बाट सरकार की किताब का मौजू ही यही था कि तमाम सहाबे के नाम से अफसलियत जो है वो हजरत मोलाली रतीला तु के साथ खास है तो ऐसा उन्होंने कमाल किया और ख़ानत का मुजाहरा किया इमाम जहाँी का अपना मसला कुछ और है और ये उनके सर डाल रहे थे और यही उनका मसला था बल्किबली खरक में सहाबेन आगे फ़ा तफरी जिक्र की फ़कुलमिन ऊस्मान वाली

इस तरह बयान करके कहा वलाकिन जमहुर अल उम्मा अला तरजीह उस्मान अल इमाम अली लेकिन जमहुर उम्मत का मौकफ यही है कि हजरत उस्मान घनी रजी अल्लाह तआला उन की फजीलत राज्य है हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला पर व नज़हब आगे अपना फरमाते हैं कि मैं भी इसी तरफ जाता हूं हम सब इसी तरफ जाते हैं कि हजरत उस्मान घनी भी मौला अली से अफजल हैं आगे फरमाती हैं वल अफ़लोमिन बिला शक अबू बकर वमर कोई शक नहीं है कि इन दोनों हस्तियों से हजरत अब बकरी हजरत अमर फ़रूक रजीला तु अफज़ल हैं मन खाल फीजा फ़बशन जो भी इस मसले में मुखालफत करेगा शैन की तफसील में मुखालफत करेगा वो सुन ही नहीं हो सकता वो शी है जुल लदा और उसे कोड़े मारे जाएँगे लेकिन हजरत का कमाल है कि हजरत ने इस इबारत को इतना लिया ना आगे से लिया ना पीछे से लिया दरमिया से इतना टुकड़ा काट के साबित करने की कोशिश की कि जनाब मौलाली रजीला तुम की अफसलियत जो है वो सबसे बढ़कर है और आपको अफसर समय ना कोई रफजियत नहीं है कोई बदायत नहीं है ये हाल है इन लोगों का कि जो हमारे साथ टकराते हैं और हमारे साथ मुकाबले पर आते हैं आप सब जहान की अहल सुन्नत की आँखें खुल जानी चाहिए इरफान शाह साहब ने किन लोगों को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया हुआ है या कौन लोग हैं जो इरफान शाह साहब के साथ मिलकर हमारे साथ लगे हुए हैं असल तो इनकी तफसीलियत के रंग पर हमने हाथ रखा हुआ है और अंदर की तफसीलियत अब निकल कर बाहर आ रही है और इस दौरान ही कराची में जो अल सुत की कानफ्रेंस हुई जाम नईमिया के दारफता से जो फतवा शादिर हुआ उस पर भी तमाम साहब इलम अब तवज्जो करें मुफ्ती मुफ़ी रहमान साहब की क्यादत में मुक्तदर मुफ्ती ने ने जो फतवा शादर किया उसमें वादे फ़रमाया गया कि जो शख्स हजरत अली रदी हो या किसी दूसरे सहाबी को या अहले हिल तहार में से किसी को खा जगर गोशः रसूल फ़ातिमा बतूल या जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रत असलै कनीमैन को अबू बकर सिद्दीक या उम्र फ़रु रदी अल्लाह तुम माँ से अफजल माने या इसमें तोफ़ करे वो गुमराह है बद मज़हब है अहल सुन्नत व जमात से खारिज है इसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है वाजिबुल इआदा है इसकी बैत भी जायज़ नहीं अगर कोई पीर इस अकीदे के खिलाफ अकीदा रखे तो उससे बैत तोड़ना वाजिब है ये हमने सारा पहले साबित कर दिया कि जफर अली साहब की क्या हकीकत है इरफान शाह साहब के अकायद क्या हैं वो किस अक़ीदे के दायर बन चुके हैं उनकी अपनी हकीक़त भी सब वाजे है अव्वल तो मौला अली का पहला नंबर शाह विलायत में देने के लिए दलाइल देते फिर रहे हैं फिर वो बार बार हजरत ज़हरा रजी अल्लाह रजील्ला तहा को लाना चाहते हैं पहले नंबर पर तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और उनके मुख्तर मुफ्ती ने कराम ने बड़ी तहक़ीक के साथ फतवा शादर किया वो तफसली फतवे पर भी हमारा पूरा एक बयान मौजूद है बहुत दुरुस्त एक है लिहाजा अहले सुन्नत के मख्तर हजरत फतवों से कुछ आगे बढ़ते हुए इन से अहले सुन्नत का टाइटल वापस लें जो खुद सुन्नी कहलाने के, के काबिल नहीं हैं और हमारे अहले सुन्नत के मुफ्तिया कराम जिनको सुन्नी नहीं मानते वो हमें कहते फिरते हैं कि आप अहले अहिलसन्नत से नहीं हैं अपने अकीदों की रोशनी में तो साबित करके दिखाएँ और इनसे ये यहदे वापस लिए जाएँ ये पूरी उस डिवीज़न के जमात अहले सुन्नत के सरबरा बने बैठे हैं किस बुनियाद पर बने बैठे हैं जब खुद ही सुन्नी नहीं है और जमात अली सुन्नत को संभाला हुआ है इस इनकी सुनीत मशकूक मशकूक नहीं बल्कि मरदूद है सीधी तरह ऐलान क्यों नहीं करते और ये टंच बाटे सरकार के चूँकि बहुत बड़े फ़ैन हैं और आशिक हैं और टंच बाटा सरकार आगे फिर उस मिस्री का फ़ैन है और मिस्री जो है वो यहूदियों और नसरानियों की लाबी मुस्तरकिन की लाबी के माता चल रहा है तो ये खुद समझ लें कि इसके तने बाने कहाँ से कहाँ तक जाकर मिलते हैं अल्लाह इनके शर से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए